कि हमारे इस दौर में लोग दीन के बारे में जो बात करते हैं तो लोगों को जो हमारे बच्चों के सवाल हैं, यंग जनरेशन के सवाल हैं, लोगों के वर्किंग प्रोफेशनल्स के सवाल हैं, असल में ये सूरत हाल समझने की ज़रूरत है कि इन लोगों को दीन की तालीम ठीक से दी नहीं गई और उनकी गलती नहीं है। अगर आप पाकिस्तान का जायज़ा लें, इंडिया का जायज़ा लें, बांग्लादेश का जायज़ा लें, मुसलमान ममालिक का कहीं भी जायज़ा ले लें, हमारी दीनी तालीम क्या है? हमारी दीनी तालीम में कुछ सूरतें याद कर लो। ये सीरत के जो दो तीन जो मार्के हैं, गज़वे हैं, इनके किस्से याद कर लो। ये दसवीं जमात में इम्तिहान पास कर लो, बस वो पास करने की देर है, फिर उससे क्या ताल्लुक है तुम्हारा? दो तीन सूरतें याद कर लो, मौलवी साहब को ज़बरदस्ती घर पे बुला के एक दफ़ा कुरान पढ़ा लो, एक दफ़ा एक जिल्द से दूसरी जिल्द तक, यहाँ आखिर तक जब आपने मुकम्मल कर लिया कुरान तो आप कुरान से ग्रेजुएट हो गए, अब इससे वास्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं, अब ये सिर्फ जनाजे के टाइम पर काम आएगा आपके, ठीक है ना? आपका इससे और कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर उसके बाद उससे ऊपर बड़ा मसला क्या है कि जो लोग दीन के नाम पे बात करते हैं वो ऐसी उल्टी सीधी बात करते हैं कि लोगों की बात को पढ़ा लिखा इंसान की बात सुन के कहेगा यार ये लोग तो पागल है यार, इनकी बात सुनूं मैं? इनको भी बोलते देखा है, ये कैसी उल्टी सीधी बातें करते हैं? असल में हुआ ये है कि जो पढ़ा लिखा तबका है ना हमारी सोसाइटी का, उनके दिमाग में अब ये बात बैठ चुकी है कि जो लोग दीन की बात करते हैं वो अकल की बात नहीं करते, वकल की बात नहीं करते, और काफी हद तक उनकी ये तनकीद सही है। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी मिसालें ऐसी हैं, लोगों ने दीन के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें की हैं, मिंबर पे खड़े होके बड़े बड़े जलसों में ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिलती है। मैं कभी कभार, मुझे कॉमेडी का खास शौक है, तो जब मैं अम्मी के घर जाता हूं तो उनको पाकिस्तानी चैनल देखने का शौक है, मैं दीनी चैनल में देखता हूं, मुझे उससे बड़ी अच्छी कॉमेडी मिलती है। लोग कैसे सवाल पूछ रहे हैं और जनाब कैसे उल्टे सीधे जवाब ये लोग टीवी पे दे रहे हैं और लोग देख रहे हैं और कहाँ की बात कहाँ, को किसी को कॉल करके पूछ रहा है हाँ मुझे आजकल नींद नहीं आती मैं क्या करूं, कहते हैं अच्छा ठहर जाओ जरा एक सेकंड, हाँ तुम ऐसा करो, तुम ये 3 दफा पढ़ो, ये 5 दफा पढ़ो, ये कहाँ से ये लेके आ रहा है यार, ये कौन सा दीन है? मैं 15 साल से पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे ये फॉर्मूला नहीं मिला, इनको कहाँ से मिल गया? ये गैब से आता है जी, उनकी अकल ही गैब में यार इन लोगों की। और जब इन लोगों को आप देखोगे बार बार तो किसी भी अकलमंद इंसान का की दिमाग में आएगा मेरा इस दिन से क्या ताल्लुक यार, इन लोगों से मैं क्या करूं, इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, ना मैं इनसे कोई वास्ता करना चाहता हूं, मैं तो उनको ब्लेम भी नहीं करता। मैं खुद अगर मैं सिर्फ मेरा एक्सपोजर सिर्फ उन लोगों से होता तो मेरा दिन से कोई ताल्लुक ना होता, कोई भी ताल्लुक ना होता। मैं तो बड़ा फॉर्चुनेट हूं, जब मैं कॉलेज में था मैंने बिल्कुल दीन से मेरा बिल्कुल कोई वास्ता नहीं था, जब मैं कॉलेज में था मुझे कुछ ऐसे लड़कों से मुलाकात हुई, कुछ ऐसे दोस्तों से मुलाकात हुई जो मुझसे कहीं ज़्यादा ज़हीन थे और मुझसे कहीं ज़्यादा दीनदार थे, और जब वो अपनी दीन की तरफ आए थे तो अकली तौर पर आए थे, उनके लिए सिर्फ दीन एक रूहानी शय नहीं थी, एक अकली चीज़ थी, रूहानियत और अकलियत दोनों एक साथ थी। और जब मैंने उस चीज़ को देखा, मैंने कभी देखा नहीं था, मैंने तो सोचा नहीं था कभी अकलमंद लोग भी दीनदार होते हैं, सोचने समझने वाले भी दीनदार होते हैं, ये लोग ये तो 4.0 GPA, टॉप ऑफ हिज क्लास, मास्टर्स डिग्री, इतनी अच्छी तालीम, इतना अच्छा करियर, और ये भी 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, ये क्यों नमाज पढ़ता है? मेरे दिमाग में सवाल, ये तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? तुम तो पढ़े लिखे हो, और आप लोग में से भी कुछ जाते हैं यहाँ अमरीका में रहने, आप पाकिस्तान जाते हैं, आपके कजन आपसे क्या पूछते हैं? यार तुम नमाज पढ़ रहे हो, तुम तो अमरीका से आए हो, तुम क्या नमाज पढ़ रहे हो? बाकी सब मजे में बैठे खा रहे हैं रेस्टोरेंट में, अजान हो रही है वहां तो कहते हैं अजान बज रही है, ठीक है ना, और आप उठ के नमाज पढ़ने के, देखो जरा ये मौलवी साहब आए नमाज पढ़ने, अब नमाज मजाक बन चुकी है उस सोसाइटी में, अंदाजा करो कितना जवाल है इस मुसलमान उम्मत का। और इसमें आप उन लोगों की तरफ ही सिर्फ उंगली मत उठाएं जो नमाज नहीं पढ़ते, वो यहां तक पहुंचे कैसे? ये कौन सी तालीम की कमी थी, ये कौन सी जिम्मेदारी थी, जिन लोगों ने दीन सिखाना था उन्होंने क्या उल्टी सीधी बात सिखानी शुरू कर दी? वो किस चीज़ पे उन्होंने अपना जो दीन की असास है, जो इस दीन को कुव्वत देती है, वो चीज़ छोड़ दी, और जो उल्टी सीधी बातें इधर उधर की उस पर सारा जोर, तो फिर जो ये होना है जब आपका सारा दिन एक ही इन चीज़ों में रह गया तो फिर होना क्या है फिर उसके बाद? तो ये बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस दीन की जो असास है उसको मत भूलें, और जो इधर उधर की बातें हैं ना उनको इधर उधर की बातें ही रहने दें, जो साइड इश्यूज हैं उनको साइड इश्यूज रहने दें, असल असास दीन की ये कुरान है, कुरान पर जब इंसान हमारी उम्मत वापस आएगी तो हमारा कॉन्फिडेंस इस दीन में और हमारी एथिक्स, हमारी मोरालिटी, हमारा किरदार, हमारे अखलाक, सब चीज़ें वापस आ जाएंगी एक दफ़ा अल्लाह ताला का कलाम हमारे दिलों में तो उतर आए।
अल्लाह ताला इस कलाम को हमारे दिलो दिमाग को इस कलाम के जरिए रोशन करे, और अल्लाह ताला हमें और हमारे आने वाली नस्लों को इस कुरान की जिंदा मिसाल बनाए। बारक अल्लाहु ली व लकुम फिल कुरान अल हकीम व नफअनी व इयाकुम बिल आयाति व ज़िक्र अल हकीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।